हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम कंपटीशन में। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान में होमगार्ड की भर्ती चल रही है, जो कि टोटल पद उसमें आपके 2500 पद हैं, 2500 पद हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें योग्यता जो कि 8वीं पास, अगर आप 8वीं पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये वैकेंसी अगर आप दूसरे स्टेट्स में, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि होमगार्ड भर्ती राजस्थान में आ चुकी है, जो कि फॉर्म भरा जा चुका है। लास्ट डेट आपको दिखाते हैं कि लास्ट डेट कब है, सारी जानकारी इस वीडियो में दिखाते हैं दोस्तों आप सभी को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजस्थान होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2020 पोस्ट नेम आपका जो कि होमगार्ड का है, और स्टार्टिंग डेट जो कि 10 जून से फॉर्म भरा रहा है दोस्तों, और लास्ट डेट आपका 9 जुलाई है दोस्तों। पूरे आपको एक महीने का टाइम मिल रहा है यहाँ पे, और जो कि लास्ट डेट फीस पेमेंट है 9 जुलाई को ही आपको फीस जमा करना है, 9 जुलाई से पहले। और एडमिट कार्ड अभी अपडेट्स अभी आया नहीं है, एग्जाम डेट्स अभी आया नहीं है, डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इसमें जो कि जनरल ओबीसी अदर स्टेट के जो लोग हैं उनको 200 रुपये का चालान देना है, और एससी एसटी और हैंडीकैप जो हैं उनको 175 रुपये का चालान देना है दोस्तों। और दोस्तों, अगर जॉब लोकेशन आपका जो है कि राजस्थान में है, ये भर्ती कराई जा रही है, एज लिमिट की बात कर लें तो अगर आप 18 से 35 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो कि आपका इलेक्शन भी इसमें आपको जो छूट होगा एससी ओबीसी के लिए, वो आप वहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर नंबर पोस्ट की बात करें, टोटल वैकेंसी 2500 यानी 2500 टोटल वैकेंसी है दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी 2025। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी आपकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनरल का 205 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 144 पोस्ट है, ओबीसी का 514 पोस्ट है, एमबीसी का 121 पोस्ट है, एससी का 418 पोस्ट है, एसटी का 304 पोस्ट है, और जो कि एज पर रूल्स आपका पे स्केल वहाँ पर लागू होगा। और दोस्तों, साथ में आपका जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगा, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट क्लास 8 पास्ट इन रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया। अगर आप 8वीं पास कहीं पूरे भारत में कहीं से भी, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। योग्यता आपकी सिर्फ 8वीं पास है दोस्तों। और जो कि जनरल एरिया हाइट, जो कि फिजिकल डिटेल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि हाइट आपके जगह मेल के लिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 162 सेंटीमीटर हो जाएगा। चेस्ट जगह मेल के लिए 81 से 86 नंबर फुलाने पर जो कि 86 होना चाहिए। वेट आपका जो कि मेल का यहाँ पे नहीं दिया गया है, और फीमेल का 47.5 केजी, और 12 डिस्ट्रिक्ट साथ गया, मतलब कि अलग अलग डिटेल्स यहाँ दिया गया है फिजिकल के लिए दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम रनिंग की बात कर लें यहाँ, तो रनिंग देखिए एक किलोमीटर दौड़ना है आपको 3:40 में, और 15 नंबर का होगा दोस्तों वो। अगर आप 3:20 में जाते हैं तो आपको 23 नंबर मिलते हैं, और 3:10 में आते हैं तो आपको 30 नंबर मिलते हैं, नंबर वाइज आपका रनिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि मेल के लिए भी दिया गया है गिवन टाइम आपका ये हो जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आपका सिलेक्शन कैसे होगा? मेरा सिलेक्शन राजस्थान होमगार्ड रिक्वायरमेंट दोस्तों भी, तो आपको दोस्तों पीएसटी होगा, पीटी होगा, रिटेल एग्जाम होगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब मेरा कि आपका फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद रिटेल एग्जाम होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन करना चैनिंग करा दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यही यहाँ पे इसका प्रावधान किया है कि रिटर्न एग्जाम मेन इसमें है, रिटर्न और फिजिकल। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अप्लाई ऑनलाइन है, प्रीवियस ईयर पेपर है, सिलेबस पैटर्न है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इसका थोड़ा सा। दोस्तों, आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई ऑनलाइन पे आने के बाद स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल यहाँ पर आप देख रहे हैं, और यहाँ पर हम और यहाँ पर अप्लाई नाउ कर लेंगे। अप्लाई नाउ करने के बाद देखिए खुल रहा है फॉर्म, आप जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको छोटा सा फॉर्म भरना पड़ता है दोस्तों। सबसे पहले इसको डेस्कटॉप साइट पे कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने चार ऑप्शन खुलेगा। जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पे कर लिया हूँ, यहाँ पे मैं किया हूँ, देखिए रजिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक कर चुका हूँ। उसके बाद आपके सामने जन आधार है, बमास है, फेसबुक है, गूगल है। तो आपको क्या करना है, देखिए अभी आपको लॉगिन करना, आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सीधे से चले जाइए गूगल पे क्लिक करिएगा। गूगल पे क्लिक करने के बाद आप अपनी जो जीमेल अकाउंट होगा उससे एक लॉगिन कर दीजिएगा, आईडी पासवर्ड जीमेल से करके उसके बाद पासवर्ड डाल देंगे। वहाँ से आपका लॉगिन हो जाएगा तो आपको एक मेल आएगा, मेल आने पर जो एक लिंक आएगा, लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो है कि आईडी और पासवर्ड, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन उसी जीमेल से ही हो जाएगा, आपको एक आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे,
और दोस्तों आपका वहीं से आपके जीमेल अकाउंट जीमेल का मतलब जो रहता है जीमेल से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और एक आईडी पासवर्ड आपको जीमेल पे आ जाएगा। तो आप उसके ज़रिए से आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको वही जो जीमेल पे जो मैसेज आएगा उसी को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसा कि अभी देखिए लोड हो रहा है, देखिए जब लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर पासवर्ड बोल रहा है, पासवर्ड डालना होगा डेस्कटॉप सर्च करके और यहाँ पे इंटर कैप्स करने के बाद आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। फिर उसका अपना पूरा फॉर्म भर लेंगे वहाँ से दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादातर शेयर करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।